ला सिगरेट देना। ले एक बात तो माननी पड़ेगी शिव, ये इंसान का मन बहुत लालची होता है यार वाकई। आई एम सॉरी यार शिव। मैं समझा नहीं टोनी। यार एक्चुअली जब मुझे पता चला कि तू रॉकी का खून करने वाला है तो पहले तो मैं बहुत खुश हो गया यार। मुझे लगा कि मुझे बिना कुछ करे 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, लेकिन फिर 5 लाख रुपए से मेरा पेट नहीं भर रहा था। टोनी तुम कितने बदल गए हो यार। हाँ यार, और फिर मैंने तो तेरी रूही को मारने का भी प्लान बना लिया था। मतलब ये कि वो साइनाइड रूही के लिए था। वो साइनाइड दिखाकर और तेरा प्लान बताकर मैं रॉकी को खुश करता और फिर उससे पैसे ले लेता। उस दिन रॉकी के बंगले के बाहर जब रूही की गाड़ी निकली थी ना, तब तूने मुझे मेरे मोबाइल पर फोन किया था। तब मैं तेरे पीछे ही खड़ा था, लेकिन मुझे तेरे वहां होने का मतलब समझ में नहीं आया। इसलिए जैसे ही तू वहां से गया मैं अंदर आ गया। अंदर जाकर पहले तो उसे तुम्हारा प्लान बताया और फिर कहा थोड़े से पैसे और दो तो मैं एक ही दिन में रूही का सफाया कर सकता। ओह कम ऑफ इट, तुम दोनों चोर हो। डिलीट इज ओवर, ओके? मुझे मेरे सारे पैसे वापस चाहिए। माइंड यू, मैंने उसे बहुत समझाया पर वो माना ही नहीं। फिर मैं भी पलट गया। मैंने उससे कहा जा, नहीं देता तेरे पैसे, तुझसे जो बन पड़े कर ले। तुम्हारी सारी बातें मैंने वीडियो कैसेट पे रिकॉर्ड कर ली है और ये टेप मैं पुलिस तक पहुंचा दूंगा अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो। माइंड यू, फिर मैं बहुत डर गया था यार। उसकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हो गया। किसी तरह उसे बहला फुसला कर मैंने ड्रिंक्स के लिए कहा और फिर मैं किचन में गया ग्लास लेने के बहाने और उसके ड्रिंक में साइनाइड। फिर ड्रिंक्स बनाए और जैसे उसने अपना ड्रिंक पिया वो लुढ़क गया। रॉकी और रूही की मौत का तुझे जरा भी अफसोस नहीं है? लेकिन हाँ, वो जो 20 लाख रुपए हाथ से निकल गए उसका बहुत अफसोस है। वैसे दोस्त, तेरी ये सच्चाई अब तक सिर्फ तुझे ही पता है। अगर ये मेरे साथ साथ सारी दुनिया को पता चल जाए तो। शट अप शिव, तेरी बात पर कौन विश्वास करेगा है? हाँ, मेरी बात पर नहीं लेकिन तुम्हारी बातों पर तो विश्वास करेंगे ना। क्यों टोनी, वहां देखो मैं किचन में ग्लास और फिर उसके ड्रिंक में साइनाइड डाल दिया। फिर वो एक भीड़ में बहुत डर गया था यार, जिसमें 5 लाख सारी बातें मानने के लिए तैयार किया। मैंने उससे कहा कि 25 लाख का फायदा होगा अगर मुझे घर में अपना ड्रिंक किया। वो एक ब्रीफ केस लेकर आया जिसमें मतलब जो भी कुछ तुमने कहा वो मैंने वीडियो कैमरे से रिकॉर्ड कर लिया। इंस्पेक्टर रणबीर वहां से चला गया, बहुत परेशान हो गया। ये क्या है? हवालात में पता चल जाएगा, पकड़ इसे। और आपको भी कल पुलिस स्टेशन में आना पड़ेगा। आप भी इस जुर्म में हिस्सेदार हैं। मुझे मेरी जिंदगी मेरी रूही मिल गई बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रूही? लेकिन वो तो मर गई थी। नहीं टोनी, नहीं, रूही जिंदा है। रूही को रॉकी की वो कसरत मिल गई और मुझे मोना। हमें सच्चाई का पता चल गया, हमने पुलिस के साथ मिलकर रूही की मौत का नाटक किया। मतलब वो लाश और वो अखबार की न्यूज सब झूठ, सब झूठ था। कुछ एक न्यूज़पेपर्स में ये बातें छपवाई गई थी ताकि आपको इस बात का विश्वास हो जाए कि रूही मर चुकी है। बाकी बातें पुलिस स्टेशन में होंगी। चलो